और मुझे ये फख्र भी है कि मुझे कई बार वो अपने पर्सन जो बाहर के सफर होते हैं उनमें भी मुझे साथ ले जाते रहे हैं। अच्छा। और मैंने बहुत करीब से देखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या हो गया? अच्छा। नहीं, आ रही आवाज आ रही। अच्छा जी, जी आ रही है। तो चूंकि 97 में मैं खुद भी उस वक्त 20 साल का था और शेख तमीम उस वक्त जो है पढ़ा करते थे कॉलेज में, तो हम साथ में फुटबॉल भी खेलते थे। हम साथ में, मतलब ये है कि दोस्तों की तरह, और उनके जो छोटे भाई हैं वो सबके सब। तो जो चीज़ मैंने बहुत करीब से नोट की, वो देखी, वो ये है कि एक तो वो इंसान की इज्जत करते हैं, कोई भी इंसान कहीं का भी हो, लेकिन ख़ास तौर पर जैसे मैं उनके घर के अंदर का भी हाल जानता हूँ, तो जो उनके जो करीब तरीन जितने लोग हैं सारे इंडियन से, मतलब जितने भी जो उनके क्या कहिए घर के जो राज जानने वाले हैं वो सारे इंडियंस हैं। जब हम बाहर की बात करते हैं तो फॉरेनर्स की बात करते हैं, तो मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर इतना अरसा मैंने गुजारा और भारत के नाम पे यहाँ आया, जाहिर है उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और उसी से मुझे इज्जत मिली। और दुआ यही है कि भारत और कतर के ताल्लुकात और आगे जाए और मजबूत हों। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग मैम। जी बहुत खुशी है कि आपने अपने वकार से भारत की इज्जत में इजाफा दिया है और अमीर को ये कहने का जो मौका दिया उसमें आपका अपना बहुत बड़ी आपका रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।